में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से एक बार फिर रंगदारी का एक मामला सामने आया है। आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज़, हर खबर पर नजर। मैं हूं नवेद खान। दिन है 14 फरवरी 2021। मेडिकल थाना क्षेत्र के सराय काजी में एक बिल्डर से फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बिल्डर ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते हैं असल में पूरा मामला क्या है। बिल्डर अशोक सैनी अपने परिवार के साथ सराय काजी में रहते हैं। अशोक सैनी ने सन 2013 में मवाना रोड पर एक कॉलोनी वृंदावन कॉलोनी के नाम से विकसित की थी। अशोक सैनी ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक फोन आया और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले ने खुद को वीरेंद्र ढाका बताते हुए धमकी दी, अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो परिणाम भुगतने को तैयार रहना। अशोक सैनी ने बताया कि आरोपी 4 और 5 फरवरी को भी फोन करके लगातार धमकी दे रहा है और रंगदारी मांग रहा है। मेरा नाम अशोक सैनी। अशोक सैनी जी, क्या घटना हुई आपके साथ में, क्या ये जो है लगभग 25 तारीख की जो शाम के दोपहर के बाद एक फोन आया, शाम का टाइम था, तो नुको वो अशोक बोल रहा, मन का जी हाँ नहीं, फिर उसमें क्या उनको ये वृंदावन एंक्लेव तेरी है, मका जी हाँ नहीं, फिर मैंने मना कर दी। फिर वो कहने लगा उनको वो नाम तो तेरा ही लिखा हुआ अशोक सैनी इस पर वृंदावन एंक्लेव पर, माँ ठीक है जी हाँ बताओ, उनको 5 लाख रुपए दे दें, 5 लाख रुपए भिजवा। फिर कट गया फोन, फिर दोबारा आया, मैंने काट दिया था। दोबारा आने पर कहने लगा वो 5 लाख रुपये वो जितनी देर करेगा जे उतना ही चार्ज बढ़ेगा तेरे पर। फिर मन कर ठीक है जी, बंद कर दिया मैंने। फिर तिबारा करा उनने फोन, कुछ देर बाद करा, आध घंटे बाद, जितना तू होशियार बनेगा उतना ही तुझे पता चल जाएगा। फिर वो कहने लगा मगर नहीं, और वो तू परेशान रहेगा, मगर मैं तो परेशान नहीं हूँ, नुका अभी रुक 7 बजे तक, अभी रुक 7 बजे तक, फिर ये बात यहाँ होगी। फिर हमने मुकदमा दर्ज करा दिया जी, 1 तारीख को मुकदमा दर्ज करने पर वो कार्रवाई में जुट गए थाना मेडिकल के, और उन्होंने कार्रवाई भी ठीक करी, सब जगह गए हुए जहाँ जहाँ पता लगा उन्हें उस नंबर का। उसके बाद में फिर लड़के का पीछा करा, तेज गड़ी बुक लेने गया, वहाँ से करा तो वहाँ से घर आ गया लड़का, फिर यहाँ से कुछ सामान से लेने गया घर लड़का, उसी लड़के ने फिर 3 जगह उसका पीछा करा, वो शक पड़ गया लड़के, घर आ गया लड़के ने, फिर दिन छिपे रात को अपनी मम्मी को बताया तो मुझे नहीं। इसके अलावा बिल्डर के बेटे का अपहरण का प्रयास भी किया गया, ये भी कहना है बिल्डर का। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई जो आप देख पा रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच कराई जा रही है, जांच पूरी के होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी और कई महत्वपूर्ण सुराग जो है पुलिस के हाथ लग चुके हैं। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। पैसे जो फोन पर धमकी देके पैसे मांगे जा रहे हैं, क्या पूरा मामला, किस थाने का मामला है? ये मेडिकल थाने का मामला है। इन्होंने एक बिल्डर हैं, इन्होंने अपना तहरीर दी है कि इनसे फ़ोन से पैसे मांगे जा रहे हैं और मुकदमा दर्ज है, आईओ को निर्देशित कर दिया है, तत्काल उस व्यक्ति के खिलाफ आइडेंटिफाई करके आवश्यक कार्रवाई करें। सर कितने के पैसे मांगे जा रहे हैं? अभी ये क्लियर नहीं है, वो बता रहे हैं, कभी कहते हैं 5 लाख की है, कभी 7 लाख के बताते हैं, तो कार्रवाई हो रही है। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।